नमस्कार, मैं हाजिर हूँ सचिन दीक्षित। एक बार फिर से सीधी बात के कार्यक्रम में आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे जिनसे, जिनकी बातें, जिनकी भाषा और जिनके लफ्ज आप सुनते हैं, आप जानते हैं कि वो जब बोलती हैं तो बेबाकी से बोलती हैं। उनकी तरफ से निकली वाली हर एक वाणी सीधे उस व्यक्ति के लिए होती है जिसका उन पर उनका प्रहार होता है। आइए सीधे मुलाकात करते हैं, और खास ये मुलाकात इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अंदर उसका बिगुल बज चुका है। हर तरफ हर प्रत्याशी की एक चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस चर्चा के बीच में स्थापित वर्तमान विधायक ने कितना काम किया और कितना बर्बाद किया, और वर्तमान विधायक क्या वाकई में भविष्य के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या खुद जो प्रत्याशी के लिए आगे हो रही वो हो रहे हैं वो कितने प्रमाणिक युक्त हैं, उन्होंने कितना काम किया जनता के बीच में, कितना नहीं, इन सब बातों पे हमारी चर्चा होगी नेहा दुबे से। आइए सीधे मुलाकात करते हैं अधिवक्ता नेहा दुबे जी से। जी नमस्कार नेहा जी, क्या होता है सबसे पहला सवाल कि राजनीति में आप उतरी तो आपकी, आप एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं चूंकि विधानसभा का, इस बार भी लोगों के बीच में जब बातचीत की जाए तो लोगों के बीच में नाम आता है, खासकर आपके पार्टी के लोग भी कहते हैं कि नेहा दुबे जी चुनाव लड़ सकती हैं, क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अगर टिकट दिया तो क्या चुनाव लड़ेंगी या बैठी रहेंगी? जी 100% अगर पार्टी ने हमको टिकट दिया तो हमारी पूरी 100% की तैयारी है, तन मन धन से हम चुनाव लड़ेंगे और ये पूरा ध्यान देंगे कि ये जो बहुजन विकास आघाड़ी की जो भ्रष्ट सरकार है वो 100% गिरे, इसका हम पूरा ध्यान देंगे और हम पूरी तरह ताकत लगा के लड़ेंगे इलेक्शंस। चलिए ठीक है, बहुजन विकास आघाड़ी की भ्रष्ट सरकार, बीच में आप चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, ठीक बात है, अगर टिकट मिले चुनाव लड़ेंगी, ये बात आपने उत्तर पर दिया, लेकिन अगर जनता आपसे सवाल करेगी कि इस बीच में काफी लंबे समय से आप जनता के बीच उपस्थित नहीं थी, तब जवाब क्या होगा उनके लिए? सबसे पहले तो 2014 का इलेक्शन होने के बाद से मैं पूरे एंटायर जो नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे हर हफ्ते हर एक वार्ड में, मतलब एक एक वार्ड में हम लोग जा जा के लोगों के लिए मेडिकल कैंप करते थे, चाहे वो कैंसर का कैंप हो, चाहे वो मतलब कैंसर डिटेक्ट होना हो और उसके बाद अगर कैंसर निकलता था तो गवर्नमेंट से उनको सहायता देना कि उनका ट्रीटमेंट में उनको ईजी हो जाए या उनका ट्रीटमेंट फ्री हो जाए, ऐसा हम लोग कैंप करते थे। उसके अलावा वेदांत हॉस्पिटल के साथ और स्वामी सिद्धानंद हॉस्पिटल के साथ हमारा टाइप था जिसमें हम लोगों का आई कैंप रखते थे और उसके अंदर हम लोग अगर कैटरैक्ट डिटेक्ट होता था तो कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग फ्री में करा के देते थे। तो ऐसा हम लोगों ने पूरे नालासोपारा विधानसभा के अंदर जितने वार्ड हैं 1-to-1 हर वार्ड में जाके ये हम लोगों ने ये काम किया है। जो वार्ड बड़ा होता था या जहाँ पे संख्या ज़्यादा होती थी, पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी, वहाँ हम लोगों ने 2-2-3 बार ये कैंप लगाया और ताकि लोगों को इससे हेल्प मिल सके, लोगों को इससे सहायता मिल सके, और हम लोगों ने ऐसा काम किया। लेकिन इन बिटवीन ऐसा हो गया कि मेरा इस तरह का सोशल वर्क जो देखते हुए, मेरे इस तरह से सोशली में इतने एक्टिव थी वो देखते हुए ऐसा हो गया कि बीच में मेरे गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, इन द सेंस मुझ पर ही अटैक हुआ और मेरा एक्सीडेंट कराने का कोशिश किया गया। इन बिटवीन ऐसा भी हुआ कि मैं इतनी एक्टिव थी कि पुलिस प्रशासन को अपने हाथ में लेते हुए मेरा पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो निकाल दिया गया। उसके अलावा कई पुलिस के बड़े बड़े कुछ अधिकारियों का मुझे फ़ोन भी आया, उन्होंने ये तक कहा कि मैडम अगर आपका जान रहेगा तो आप सब कुछ कर पाओगे, जान नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं करोगे, आप इतना ज़्यादा एक्टिव मत रहो, थोड़ा आपकी जान की, आपके जान को धोखा है, आप थोड़ा संभाल के रहिए। तो जब मुझे उन लोगों ने कहा तो मैं थोड़ा पब्लिकली आना थोड़ा मैंने कम कर दिया, लेकिन जितने मेरे लोग हैं, जो मेरे कार्यकर्ता है, मेरे ऑफिस से जुड़े हुए लोग हैं, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने इस जो मेडिकल का जो समस्या है और जो मेडिकल का जो हमारा मुहिम है वो कंटिन्यू रखा, और आज भी मतलब हमारा हर हफ्ते कैंप्स होते हैं, लोगों को तक हमारी सहायता जाती है। उसके अलावा कुछ भी जनता की कोई भी समस्या हो, लोग अगर मुश्तक हो अपनी समस्या लेके आते हैं तो मैं जितना उस समस्या पे काम कर सकती हूँ मैं उस समस्या को लोगों को सॉल्व करा के देती हूँ, चाहे उनका लेटर्स हो, चाहे उनके कुछ भी हो, एप्लीकेशंस हो, कंप्लेंट्स हो, मैं जितना सीनियर तक ऊपर तक लेके जाना चाहती हूँ मैं लेके जा पाती हूँ। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमारे मैक्सिमम लेटर्स जो हैं मराठी में होने की वजह से दिल्ली वगैरह से फ़ोन आता है कि मैडम आपने मराठी में भेजा है, आप उसको हिंदी में हमको बताइए क्या है। तो लोगों की समस्या हम लोग हमारे तक जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करने की कोशिश मैं करती हूँ। और मैं आपको एकदम सिंपल कहूँगी कि यहाँ पे जो ये जो भ्रष्ट सरकार है, बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार जो है, ये पुलिस को जो है कार गिफ्ट्स देके, कार जो होती है फोर व्हीलर, कार गिफ्ट देके उनको अपने हिसाब से काम करा के लेते हैं, और ये लोग जो है
मतलब जिसको देख लेते हैं कि ये जो अगर ये इंसान सोशली ज़्यादा एक्टिव है, या नालासोपारा विधानसभा में जिस तरह से मैं एक्टिव थी उस वजह से मेरा भी पुलिस प्रोटेक्शन निकाल दिया गया, और विवेक पंडित जी के साथ भी सेम यही हुआ कि जिस तरह से वो लोगों की समस्या सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वसई विधानसभा में भी जिस तरह से उनका काम है, तो उसी तरह से वो तो एकदम ही जेन्युइन इंसान है कि जिस तरह से वो पब्लिक में काम करते हैं, आदिवासियों की समस्या सॉल्व करते हैं, उनका भी पुलिस प्रोटेक्शन यही बेसिस पे निकाल दिया गया। कहने का मतलब ये है कि आप जनता के लगातार बनी रही, लेकिन आपको डराया गया, आपको आपको जान से मारने का प्रयास किया गया, इसकी वजह से आप रुकी। जी, मुझे जान से मारने का मेरा बहुत बार प्रयास किया गया है और मेरा पुलिस प्रोटेक्शन में निकाल दिया गया। तो इसमें कुछ जो पुलिस के जो अधिकारी है वो भी इन लोगों के साथ है, और इसमें ऐसा हो गया कि जो मेरे वेल विशर्स है उन्होंने मुझे फोन करके सावधान किया कि आप अपना ध्यान दीजिए, और ऐसा हुआ कि जिस तरह से आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंच रही है, तो उसी तरह से पिछले भी दोनों इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस में, मेरी आवाज़ इसी तरह से मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों तक पहुंची है, और मैं उसी तरह से लोगों में अपना आवाहन करती रही हूं और लोगों को जागरूक करती रही हूं। इस बीच में विकास पर सवाल है कि अगर इतने सालों से लगातार बहुजन विकास अघाड़ी के कुछ लोग विधानसभा में जीतते आ रहे हैं, खासकर स्थानीय और नगर पालिका में भी उनकी सत्ता है, तो इस बीच विकास कितना कराया उन्होंने? आपने इससे पहले भी विकास पर सवाल उठाए हैं, सब बोलती रही हैं, लेकिन क्या लगता है इस बार हराने में कामयाब रहेंगे आप लोग, जो लगातार वो जीतते आ रहे हैं, जनता के बीच कुछ तो किया होगा इसके वजह जीते हैं, तो इस बार हराएंगी तो कैसे? देखिए, जो पिछला दो इलेक्शन गया, ये जो पिछला जो लोकसभा का जो इलेक्शन गया और उसके पहले जो पोट निवर्णुक लगी थी, जो बाय इलेक्शन हुआ था, उसके रिजल्ट से समझ जाना चाहिए कि अब जनता जो है एकदम जागरूक हो गई है और जनता को समझ गया है कि ऐसे भ्रष्ट लोग जो विकास के नाम पे मात्र खुद का विकास करते हैं, ना कि आम जनता का, तो उन लोगों को मतलब पता चल गया है, जनता को, आम जनता को पता चल गया है कि ये सब भ्रष्ट लोग हैं, इन लोग दूसरों का विकास नहीं करेंगे, ये लोग मात्र खुद का विकास करेंगे। हर एक जगह जो इनके ठेकेदारी जो चालू है, हर एक ठेकेदार से पैसा लेना, परसेंट लेना, हर एक जगह पे जो इनका जो सिस्टम चालू है वो अब ख़त्म होने वाला है। इनका पाप का घड़ा बढ़ चुका है, और जिस तरह से कहा व्याप जो है, आप जिस तरह से आपने कहा कि अब ये लोग बहुत जल्दी व्याप्त होने वाले हैं, ये लोग यहाँ से बहुत जल्दी गायब होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और है कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नतीजे आए उसको देखते हुए, लेकिन इस बार एक मैसेज वायरल किया गया था जो बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से था कि हर बार की तुलना में अब वोट बैंक उनका बढ़ा है लोकसभा के चुनाव में, ये मैसेज आपने भी शायद देखा होगा। तो लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर उनका कहना है कि वोट बढ़ा है, घटा नहीं, हार भले हो, तो इस पर क्या कहना, लोगों का तो विश्वास बढ़ा है ना उन लोगों पर? देखिए, क्या होता है, आदमी गिर जाता है तो भी बोलता है मेरी टांग ऊंची, तो इन लोगों का वही हाल है, ये लोग गिर गए लेकिन ये लोग कह रहे हैं हमारी टांग ऊंची वाला। और रही बात, अगर वो लोग कहते हैं कि उनका वोट बढ़ा, तो मैं तो सिर्फ इतना देख रही हूँ कि अगर विधानसभा वाइज देखे तो मैंने ये देखा, उन्होंने क्या देखा मुझे पता नहीं, पर मैंने ये देखा कि नालासोपारा विधानसभा में हमारा वोट बढ़ा है, वसई विधानसभा में हमारा वोट बढ़ा है, ना कि उनका वोट बढ़ा है। इस बार इस बीच में प्रदीप शर्मा का नाम नज़दीक आ रहा है, आप इच्छुक हैं, पर उनका नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है कि प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनको टिकट मिल सकती है यहाँ भाजपा शिवसेना युति से, तो अगर वो होंगे प्रत्याशी तो आप लोग तो कि लुटिया गई, फिर तो वही आएंगे सामने। जी, लुटिया गई वाला हाल नहीं होता है, बात ये नहीं होता है, इंसान का टारगेट होता है कि कौन सा इंसान क्या टारगेट लेके चलता है। मेरा टारगेट अगर राजनीति में आना है तो उसका सिर्फ दो ही मकसद है, एक सबसे पहले तो ये ठाकुर परिवार का सर्वनाश हो जाए इसलिए मैं राजनीति में आई हूँ, और दूसरा आम जनता तक डेवलपमेंट होना चाहिए, आम जनता को सारे विकास का फ़ायदा उठाना चाहिए, मेरा यही दो टारगेट है। तो अगर आप कहते हैं कि प्रदीप शर्मा जी आते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, अगर प्रदीप शर्मा जी जैसे अगर आदमी यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं तो जैसा ताकतवर, चाहे वो फिजिकली ताकतवर हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, माइंडसेट वाइज हो, अगर वैसा ताकतवर इंसान आता है तो वेरी गुड, मेरा पूरा सपोर्ट उनके साथ है, प्रदीप शर्मा जी के साथ, और मैं तो चाहूँगी कि उनको टिकट मिले ताकि जो यहाँ पे जो पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है वो गुटबाजी ना हो, क्योंकि कैसा होता है कि लोकल लेवल पर अगर किसी को टिकट मिल जाती है तो बाकी लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, वैसा वाला हाल हो जाता है, लेकिन अगर प्रदीप शर्मा जी को टिकट मिल जाती है तो आपसी झगड़ा जो है, आपसी रंजिश जो है वो खत्म हो जाएगी, और सब मिलके जो है प्रदीप शर्मा जी के लिए काम करेंगे और पूरा ताकत लगाएंगे कि प्रदीप शर्मा जी यहाँ से जीत कर आए
और ये सीट जो है 132 नाला सोपारा विधानसभा, ये 100% प्रदीप शर्मा जी जीत के आएंगे। अभी आपने कहा कि आप चाहती, आपका टारगेट है मात्र सर्वनाश ठाकुर परिवार का। मात्र नहीं, दो टारगेट है, मैंने दो टारगेट कहा कि पहला टारगेट है कि ठाकुर परिवार का सर्वनाश हो जाए, पूरा उनका खत्म हो जाए वो परिवार, और दूसरा टारगेट है कि आम जनता को सारे जितनी उनकी मूलभूत सुविधाएं है वो भी, और उसके अलावा जितने जो विकास होना चाहिए वो सब कुछ मिले। ये दो टारगेट है। इस बीच अगर प्रदीप शर्मा आते हैं जी, तो सर्वनाश होगा या राजनीति में वो अपने आपकी खुद का कद बढ़ाएंगे, बढ़ाकर फिर आगे दूसरे प्रत्याशी आएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है ना, अगर प्रदीप शर्मा जी जीत गए तो इनका तो एक सीट का तो सर्वनाश हो ही गया, और वसई विधानसभा तो वैसे ही हम जीत रहे विवेक पंडित भाव की वजह से। अच्छा। तो वसई विधानसभा तो हम जीत ही रहे हैं, रही बात नाला सुपर विधानसभा की, तो वो भी हम लोग जीत जाएंगे प्रदीप शर्मा जी की वजह से। तो एक तौर से देखा जाए तो राजनीति में तो उनका सर्वनाश हो जाएगा, और अगर आम जनता के हिसाब से देखा जाए तो जो हर एक ठेकेदार जो 25% का जो एक्सटॉर्शन मनी ये ठाकुर परिवार को, ये बहुजन विकास आघाड़ी वालों को जो देते हैं, वो एक्सटॉर्शन मनी उनको ना दे के उसका सारा जो है, अगर एक ठेकेदार 25% इनको दे देगा तो वो ज़मीन पे क्या काम कर पाएगा, उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। अगर वो 25% नहीं देता है तो उसका सीधा विकास जो है आम जनता को मिलता है। आप अभी कह रही थी कि विकास नहीं हुआ है और उन्होंने इस तरह, लेकिन अगर इनके नगर सेवकों से बात की जाए जी, तमाम नगर सेवक हैं, महापौर से बात की जाए, उन लोगों का कहना है विकास धरातल पे हुआ है, चीज ठाकुर ने विकास कराया है, जनता के लगातार बने रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और आप कह रही है विकास नहीं करा है, इनको तो हार जाना चाहिए जी। अगर वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे तो लोग मार खाएंगे ना, बेवड़ा दारू पी के मारता है, हितेंद्र ठाकुर दारू पी के मारेगा, उसके सामने नगर सेवक सभापति सब कुछ नहीं है, उन लोग को मारेगा फिर ना, तो उनको तो ऐसा बोलना बनता ही है। और मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से लाइव लगाइए ना, आप जो भी नगर सेवक बोल रहा है या महापौर बोल रहा है या सभापति बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, उनके वार्ड में आप जाइए, उसके वार्ड के अंदर आप पूरा सर्वे करिए कि उनके वार्ड में क्या अच्छा हो रहा है और क्या लीगल हो रहा है, कितना इलीगल हो रहा है, और उसके लिए आप बाकी पार्टी वालों से भी आप क्वेश्चन करिए, और उनसे भी क्वेश्चन करिए ना कि बाबा आप नगर सेवक है तो आपके वार्ड में इतना इलीगल काम कैसे हुआ, आप आग बंद करके कहाँ सोए हुए थे जी? आप जागे थे ना, तो आप अगर आप नगर सेवक है, आप सभापति है, अगर आप महापौर है, आप जो भी कुछ है, तो आपको इसका कंप्लेन करना चाहिए आपके वार्ड में कैसे हुआ, तो वो चीज़ मैं आपको कह रही हूँ। देखिए कैसा होता है, माइक उठा के सवाल करना बहुत आसान रहता है, लेकिन आम जनता को वो चीज़ पता चलनी चाहिए। अगर वो लोग बोल रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं कि उनके नगर सेवक बोल रहे हैं, तो सिर्फ उनके नगर सेवक बोल रहे बोल के अपना पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। आप पत्रकार हैं, आप अपने पत्रकारिता धर्म निभाइए, और आप ऐसा करिए कि जिस जिस नगर सेवक ने बोला है, चाहे सभापति ने बोला है, चाहे महापौर ने बोला है, या खुद वो नालायक आमदार ने अगर बोला है, तो उनके क्षेत्र में जाइए और आप देखिए कि कहाँ पे इलीगल काम हो रहा है, कहाँ पे लीगल काम हो रहा है, कहाँ स्वच्छता की बैंड बजाई जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है। और अगर वो लोग कुछ बोल रहे हैं कि हमने ये काम किया है, तो बाबा कितना परसेंट किया है और उसमें कितना झोल है, वो भी पता लगाइए। आखिरी सवाल मेरा आपसे, जीत निश्चित होगी अगर प्रदीप शर्मा आते हैं तो, आपने कहा तो प्रदीप शर्मा फिट बैठते हैं ये कैसे मान सकते हैं? उन्होंने बहुत जनता के बीच में काम किया हो, लगातार जनता के बीच में रहे हों, या भाजपा के लिए काम किया हो, उनका इतिहास देखकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनके विभाग में वो प्रिय रहे या उन्होंने ख्याति प्राप्त काम किया, लेकिन जनता के बीच काम करना, राजनीति करना, चुनाव लड़ना, वोट मांगना, ये तो कभी किया नहीं प्रदीप शर्मा ने। आप कह रहे हैं वो आएंगे, जीत जाएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। देखिए प्रदीप शर्मा एक ऐसा नाम है जिस नाम को किसी फेम की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बच्चा बच्चा प्रदीप शर्मा जी को जानता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम परिवार और दाऊद इब्राहिम के पीछे खुद जिस तरह से प्रदीप शर्मा जी का एक रवैया रहा है, जिस तरह से उनके लोग अभी हाल ही में उनके अपने दाऊद इब्राहिम के भाई को अरेस्ट किया, तो जो जिस तरह से वो काम करते हैं, तो उनका जो एक आप जो बोल रहे हैं पार्टी के लिए ख्याति, तो आदमी फेमस होता है सिर्फ पार्टी से फेमस नहीं होता, उसका खुद का अर्थ, तो वो अपने काम के क्षेत्र में तो बेस्ट है। वो विभाग अलग है, ये जगह अलग है काम करने का तरीका। अरे तो यहाँ भी तो लोग वही है ना, अगर अगर वो दाऊद इब्राहिम के परिवार वालों को साफ करे, तो यहाँ तो दाऊद इब्राहिम के एसोसिएट्स है ये टाड़ा एक्यूज्ड भाई ठाकुर और उनके बाकी लोग, तो वो अभी उनका काम है इधर का सफाई करना, तो वो अभी इधर की सफाई करेंगे, तो जो यहाँ पे जो दाऊद इब्राहिम के एसोसिएट्स है उनका सफाई करेंगे। और
प्रदीप शर्मा को, अगर आप ये कहते हैं कि प्रदीप शर्मा नाला सोपारा से वंचित नहीं है या नाला सोपारा को जानते नहीं है, तो ये कहना बहुत गलत होगा। क्योंकि कैसे बंबई से जितने आरोपी भाग के आते थे या तड़ीपार लोग जो भाग के आ जाते थे, तो वो नाला सोपारा विरार में जाके छुपते थे, तो रात के 2-2 बजे तक जाके प्रदीप शर्मा नाला सोपारा की गलियों में से उनको ढूंढ के लोगों को उठा के यहाँ से लेके गए। तो मैं जहाँ से मैं जानती हूँ कि प्रदीप शर्मा नाला सोपारा की गली गलियों से जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ के सभी लोगों को भी और यहाँ के जो टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उनको भी। और रही बात अगर आप कहते हैं बीजेपी से, तो बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो पार्टी नहीं इसे परिवार कहा जाएगा। बीजेपी पार्टी अगर कुछ ठान लेती है और उस पार्टी के लोग अगर कुछ ठान लेते हैं तो वो 100% करके लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा पिछले 2 इलेक्शन में हम लोगों ने ठान लिया था कि ये बहुजन विकास आघाड़ी मुक्त हमको ये लोकसभा क्षेत्र करना है, तो वो हमने करके लिया। और अब की बार भी यहाँ पे जो बीजेपी और शिवसेना की जो भी युति होगी तो हम लोग ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ से भी बहुजन विकास आघाड़ी मुक्त इस नाला सुपर विधानसभा को करेंगे और यहाँ पे जीत के लेंगे। और रही बात मेरे परिवार की, तो मेरा पूरा परिवार जो है पहले से बीजेपी के सपोर्ट में रहा है। आज मेरी बिल्डिंग का जो मेरे दुबे सेट का जो पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का वोट पा के जो हमारे ये है जो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष जो है सुभाष साटम जी, कई बार नगर सेवक बने हैं मेरे परिवार का ही वोट पा के। तो हमारा पूरा परिवार जो है बीजेपी सपोर्टर ही है और हम लोग जो है पूरा सपोर्ट हमारा बीजेपी को है, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। खास करके अगर प्रदीप शर्मा जी उम्मीदवार है तो 100% हम लोग उनके लिए पूरे तन मन धन से उनके लिए काम करेंगे और ये पूरा ध्यान देंगे कि वो जीत के आए। और यहाँ पे जो ये जो पूरा नाला सोपारा विधानसभा जो है ये बहुजन विकास आघाड़ी मुक्त हो। धन्यवाद। लगभग सारी बातें हुई, इन बातों में एक बात तो साफ है कि नेहा दुबे चाहती ये है कि नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, आसपास पे जहाँ जहाँ बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता व्याप्त है वो उखड़ जाए और कोई और आ जाए। उसमें प्रदीप शर्मा नाला सुपारा से आते हैं तो इनकी उत्सुकता ये है कि उनको आना चाहिए, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बेबाकी से काम कर सके और जिनमें निडरता ज़्यादा हो। अब देखना ये होगा कि प्रदीप शर्मा को टिकट मिलती है नेहा दुबे को या किसी और को, देखने वाली बात यही है और जल्द इसका खुलासा भी होगा। धन्यवाद।